शेरा। शेरा भैया तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो काम करो, लकड़ी काटो, ये तो बापू मर के ऐसे तैसे कर देगा। बापू? तेरा बापू नहीं है क्या? तुझे तो सबसे ज्यादा चाहता, तेरी हर गलती माफ कर देता। ये बात तो सच है भैया, बापू के जितने जूते हमने खाए, अगर तूने खाए होते तो मेहनत के दो पैसे तू भी कमा लेता। दो पैसे? अरे दो पैसे कमाते कमाते तो बापू बूढ़ा हो गया। सुबह से शाम काम करके अगर दो पैसे कमाना है, उससे अच्छा तो भूखा मर जाए। रुपए की बात कर, रुपए की, हजार, दस हजार, लाख, ये सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन रात को नींद आने के बाद। अरे तुम लोग सिर्फ सपना देखते हो और मैं सपने को सच कर सकता हूँ। बस तकदीर सिर्फ एक मौका दे दे। चल वीरू, ये तो लापरवाह है और लापरवाह ही रहेगा। सुना है आसमान के इस कोने से उस कोने तक जिसे इंद्रधनुष दिखाई दे जाए, उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलता है। शायद इस गांव में हमें भी मिल जाए। शेरास्ता, कजी को मार पड़ी है। अरे 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 मत मारो, अरे 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 क्या कर रहे हो, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो छोड़ो, अरे अरे मर गया, अरे बचाओ, अरे बचाओ, मर गया, अरे 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 मर गया, मर गया, अरे मर गया, अरे बचाओ बचाओ, अरे 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 मर गया, अरे बचाओ बचाओ। क्यों भाई, क्या समझ रखा है? शेरा मर गया क्या? अबे शर्म नहीं आती? अपने से कमजोर पर हाथ उठा था, वो भी तीन तीन चमचों का सहारा लेकर। अबे सूदखोर की औलाद। अबे चुप गड़ेड़िए की औलाद। चबे, मेरा बाप ऊन बेच के मेहनत करके पैसा कमाता है और तेरा बाप गरीबों का खून चूसता है। चेरा, अरे माँ का दूध पिया तो आजा मैदान में, आज ही फैसला कर लेते हैं। आज तो तेरी हड्डी पसली नरम करके रख देंगे, फिकर मत कर, भरम पट्टी का बंदोबस्त किया है। पकड़ लो साले को और ऐसी धुलाई करो कि फिर कभी नहाने की जरूरत न पड़े। पकड़ो ताली। साला चाकू तो मारता है। अब आओ सालो, अब एक एक की नाक कान काट के लाल मिर्ची भर दूंगा। चाकू फेंक दो। सुनो, नहीं मैंने कहा चाकू फेंक दे। अब इसके पास चाकू नहीं है, आगे बढ़।
अरे मेरा मुंह क्या देख रहा है बड़ा गए? पहला बार तेरा हाँ? और लड़ेगा क्या? शाबाश, तू कुत्ता और तेरे साथी गिदड़ क्या? मैं कुत्ता। ताकी कंजू, पानी आए तो नहला के छोड़ना। क्या नाम है तेरा? शेरा। और तेरा? कितनी उम्र है तेरी? 20 साल। और तेरी? काम क्या करता है? काम तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन साला मन माफी काम मिलता ही नहीं। मतलब साफ है, मेहनत कम माल ज्यादा। ऐसा काम मैं तुझे दे सकता हूँ, चलेगा मेरे साथ? कहाँ? माल चाहिए तो सवाल नहीं, जहाँ कहूँ चलना पड़ेगा। बाप से पूछना पड़ेगा। बाप कहाँ है तेरा? घर पे। घर कहाँ है? गली में। गली कहाँ है? आखिर में। आ जा बापू। क्या रे? अरे बापू देखो कोई मिलने आया है। यह है मेरा बाप, कर लो बात। क्या बात है शेरा, ये बाबूजी कौन है? मुझे क्या मालूम, तुम खुद ही पूछ लो। बाबूजी, इस लड़के ने अगर आपका कोई नुकसान किया हो तो मैं? नहीं, नहीं। ये तो बहुत अच्छा बड़ा बहादुर लड़का है। अगर आप चाहें तो मैं इसे नौकरी दे सकता हूँ, 100 रुपया महीना तनख्वाह मिलेगी। 100 रुपया? अरे बाबूजी, बीमा वीरू। बाबूजी, ये दोनों भी मेरे बेटे हैं, शेर की तरह ताकतवर और खच्चर की तरह मेहनती। इन दोनों में से जिसे चाहे चुन लो और शेरा को भूल जाओ। क्यों? सच बताऊं बाबूजी, एकदम लापरवाह है और निकम्मा है, दिन भर मारामारी करता है, बिल्कुल टेढ़ा लड़का है बाबूजी। मैं उसे सीधा कर लूंगा, मेरा बहुत बड़ा कारोबार है, मैं नौकरी करेगा तो उसकी जिंदगी सुधर जाएगी और तुम्हारा भी भला हो जाएगा। ये उसके 1 महीने की पेशगी, कल आके मैं उसे ले जाऊंगा। कल सुबह तैयार रहना। बीमा की माँ, तूने सब कुछ सुन लिया ना? ये ले, 100 रुपया अंदर संदूक में रख दे, हर महीना 100 रुपया मिला करेंगे हमें। शेरा को बेचकर? क्या बात कर रही हो, जिंदगी सुधर गई उसकी भी और अपनी भी। मैं पैसे संदूक में रख देती हूँ। माँ जरा बाहर आना। क्या है रे? मैं उस आदमी के साथ नहीं जाऊंगा। क्यों? वो अच्छा आदमी नहीं है, वो जब हंसता है तो उसकी आंखें नहीं हंसती। ऐसा नहीं कहते, बिना तुझे जाने पहचाने उसने 100 रुपए महीने की नौकरी दी, वो बुरा कैसे हो सकता है? हाँ बुरा तो मैं हूँ, मैं इस घर से चला जाऊंगा तो तुम लोग सब खुश हो जाओगे। बेटा? और नहीं तो क्या, वीरू और भीमू जैसा मैं अगर तुम्हारा अपना बेटा होता तो तुम मुझे 100 रुपए में बेच सकती थी क्या? शर्म नहीं आती तुझे ऐसा कहते हुए? अगर मुझे 1 रोटी मिली तो मैंने आधी रोटी तुझे दी और आधी रोटी भीमा और वीरू को। तेरे बापू काम करते करते जवानी में बूढ़े हो गए, तूने अपने बापू के लिए क्या किया? माँ, अगर बेटा तू नौकरी करेगा तो हमें 2 वक्त की रोटी मिलेगी, तेरे बाबू को आराम मिलेगा, तेरे भाइयों को कपड़े मिलेंगे। बेटा, मेरे नौकरी करने से तुझे खुशी होगी माँ? क्यों नहीं होगी बेटा, मेरे एक बेटे की नौकरी करने से सारे घर की हालत बदल जाएगी। पर मेरे जाने के बाद तू रहेगी ना? बेटा, नहीं।
नहीं माँ। शेरा कहाँ है? आता है। बाबूजी, तुमसे एक विनती है। साल में एक बार शेरा को गांव आने की छुट्टी। हाँ हाँ, तुम इसकी चिंता मत करो। लेकिन एक बात बताओ, शेरा की शक्ल तुम में से किसी से नहीं मिलती, और वो पाड़ी भी नहीं लगता। अब तुमसे क्या छुपाएं बाबू? कई साल पहले शेरा नदी किनारे पड़े मुझे मिल गया था। उस वक्त बीमा 2 महीने का था। मेरी औरत ने उसे अपना दूध पिलाकर अपने बच्चे की तरह पाला। ये दूसरा घोड़ा किसका है? तुम्हारा। हमेशा के लिए? नहीं, जब तक मेरी नौकरी करोगे तब तक। चलाना आता घोड़ा? अच्छा घोड़ा चलाने कहां से सीखा? खच्चरों पर सवारी करके। चलें। चलो। कितनी दूर जाना है? कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। मुर्गी खाएगा? नहीं, माँ ने रोटी और चटनी दी है। जल्दी खा ले और सो जा। मैं देर से खाता हूँ और देर से सोता हूँ। तुम खा के सो जाओ। तू बाजा भी बजाता है रे? गाना भी गाता हूँ। कौन सा गाना? अपना गाना, मैंने बनाया है। चल सुना।
शेरा, तेरे इस गाने में एक सपना छुपा हुआ है। तू पैसे कमाना चाहता है ना? पैसे नहीं, रुपए। कितने? इतने कि मैं जब चाहूं जिसे चाहूं खरीद लूं। रुपया कमाना इतना आसान नहीं शेरा, उसके लिए दिमाग चाहिए, हिम्मत चाहिए। मुझ में हिम्मत है और तुम्हें दिमाग? दिमाग तेरे पास भी है शेरा, लेकिन उसका सही इस्तेमाल तुझे नहीं मालूम। और जिस दिन मालूम हो जाएगा उस दिन तू लखपति बन जाएगा। लखपति? ठाकुर साहब नमस्ते। कहो शिवचरण जी, कैसे हो? दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, पर हर महीने की पहली तारीख को आपके यहाँ आने में कभी नागा नहीं हुआ। भाई जब मेरे फार्म पे काम करने वाले नागा नहीं करते, तूने तनख्वाह मिलने में नागा कैसे हो? चले दादी। शिवचरण जी, ये मेरी बिटिया संध्या। नमस्ते। अच्छा तो हम चले। ठाकुर साहब, आपको 30 मील दूर जाना है और आप जिस इलाके में जा रहे हैं वहाँ पर 3 बार डाके पड़ चुके हैं। संध्या जी के साथ अकेले जाना आपका ठीक नहीं है। मुझे खबर मिल चुकी है, इसीलिए मैंने सारी रकम संध्या के बैग में रखी है और थोड़े से पैसे इस ब्रीफकेस में रखे। और शिवचरण जी, वैसे भी मेरे पास हिफाजत के लिए पिस्तौल है। तो ठीक है। अच्छा आप बेटा चले। अच्छा तो रेलगाड़ी देख रहा है शेरा? एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, एक पटरी से दूसरी पटरी पर। इसमें सफर करने वाला कोई आदमी बड़ा नहीं होता, सब मामूली होते हैं। लखपति बनने के लिए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, एक पटरी से दूसरी पटरी पर जाना पड़ता है और कभी कभी पटरी से नीचे भी उतरना पड़ता है। आया समझ में? नहीं आया? बिटिया बोर हो गई? जी हाँ, बहुत अच्छा है। बहादुर, आज इधर से कहाँ जा रहे हो? आगे पहाड़ गिरा हुआ है, रास्ता बंद है। अच्छा, बस तू डाकुओं से मिला हुआ है। कुत्ते, तू घबरा मत बेटी, मैं देखता हूं इन्हें। ठाकुर, रुपया किधर है? बोल। घोड़ा संभालो। यस बॉस। वकील साहब कहां गए? वो तो इंजेक्शन लेके सो गए। ये कौन है? ये कौन है? ये पेड्रो। पेड्रो शेरा, नया रंग रूट है। तुम पेड्रो को देखकर डरे नहीं? इसमें डरने की क्या बात है? हाँ, मेरे से थोड़ा लंबा चौड़ा है। शाबाश, तुम पहले आदमी जो पेड्रो को देखकर नहीं डरे। पेड्रो, इसे इसका कमरा दिखा दो। चलो। ये तुम्हारा कमरा है, जब तक बुलाया ना जाए बाहर निकलने की कोशिश ना करना।
लड़ाका। ये रहे 10,000 रुपए। सिर्फ 10,000? तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मुझे 50,000 का डाका डालने के लिए भेजा और ठाकुर साहब के ड्राइवर को सिर्फ 200 रुपए रिश्वत दी। आखिर हुआ क्या? ठाकुर साहब, उसका ड्राइवर और मेरे दो आदमी मारे गए। मैंने तुमसे कहा था कि कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए। तुम यहाँ पर बैठे बैठे हुक्म देते रहते हो और मैं वहां था जहां मेरी जान खतरे में थी। मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने किया। अपना हिस्सा ले लो और मुझे मेरा हिस्सा दे दो। आज के बाद मेरा तुम्हारा आज के बाद मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं। ले जाओ ये रुपए। मैं खैरात नहीं लेता, जो कुछ भी लेता हूँ लूट के लेता हूँ। क्या बात है, आज कुत्ता भी शेर बन गया। क्या कहा? एक बार फिर कहो। मैंने बहुत से कुत्ते पाल रखे हैं लेकिन आज तक किसी को भौंकने की हिम्मत नहीं हुई। कुत्ता अगर पागल हो जाए तो क्या करना चाहिए? पेट्रो से गोली मार देना चाहिए। खून खराबा मुझे पसंद नहीं। इसे सही सलामत वापस भेज दो और अगर ये दोबारा नजर आ जाए तो तुम इसके टुकड़े टुकड़े कर देना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इतना याद रखना जॉनी, अगर हमारी फिर मुलाकात होगी तो हम दोनों में से सिर्फ एक जिंदा बचेगा। यह है वो आदमी, इसने मेरे पिताजी की जान ली है। राका, तुम्हें पूरा यकीन है यही वो आदमी है? मैं इस खूनी का चेहरा तब तक नहीं भूल सकती जब तक इसे फांसी ना हो जाए। आप इसे जानते हैं? हाँ, एक बहुत चालाक और खतरनाक मुजरिम है। कई स्टेट्स की पुलिस इसकी तलाश में है। सरकार ने इसकी गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपए का इनाम भी रखा है। ये देखो, इसे 50,000 कर दीजिए। क्या? मेरी तरफ से मुझे अपने डैडी की मौत का बदला लेना है। तो तुम धीरज रखो बेटी, ठाकुर साहब की मौत का सदमा खुद मुझे भी है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं, उस दरिंदे को तो मौत की सजा होनी चाहिए। मैंने तो तुझे बेहोश किया था, तू तो मुझे जान से मार डालता। उससे कहा गया था कि जब तक बुलाया ना जाए अपने कमरे से बाहर मत निकलना। अच्छा हुआ बाहर निकल गया था। तुम्हारा असली रूप तो देख लिया, तुम डाकुओं के सरदार हो। हाँ, मैंने चाहता था कि इतने जल्दी यह तुझे मालूम हो जाए, और जब मालूम हो गया तो इस बात का फैसला हो जाना चाहिए। किस बात का? कुलपति बनना चाहता है या भूखे मरना चाहता है? कुलपति बनने का सिर्फ एक तरीका है और वो है कानून के साथ आंख मिचौली। मैं भी ये करता आ रहा हूँ मगर अब तक लखपति नहीं बन सका। तुझे इसलिए यहाँ लाया था कि अगर तू मेरे बताए रास्ते पे चलेगा तो हम दोनों बहुत जल्द लखपति बन जाएंगे, वरना तेरी मर्जी। तू चाहे तो काम वापस जा सकता है, अभी इसी वक्त, उसी गरीबी उसी झोंपड़े में जहां से तू बाहर निकलना चाहता था। तेरा फैसला सुनने के लिए मैं 3 तक गिनूंगा, तुझे रहना है या जाना है। 1, 2, 3। क्या फैसला किया? जवाब दे, रहना है या जाना है, बोल। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। मुझे यकीन था तेरा यही फैसला होगा। जब से तुम बीमार पड़े घर में एक पैसा नहीं, और 2 रोज से भीमा को काम भी नहीं मिला। अभी तो न जाने हम पर कितनी मुसीबतें आने वाली हैं। जब से शेरा गया है तकदीर ने तो हमसे मुंह ही मोड़ लिया है। क्या कहा बेटा? बैची ने 2 पुड़िया दी हैं, एक अभी देनी है दूसरी रात को।
वैद्य जी की पुड़िया से कुछ नहीं होगा वीरू, एक बार शेरा का मुंह देख लू बीमारी अपने आप दूर हो जाएगी। राखा को छुट्टी करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है जॉने। हम दोनों के खिलाफ पुराने वारंट हैं और पुलिस से बचने के लिए हम इन पहाड़ों में आकर छुपे हुए। जो कुछ भी आता था राखा के जरिए तो आता था। राखा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरा पहला उसूल है कि मेरे गिरोह का हर आदमी मेरा हुक्म माने। वो अपनी मनमानी करने लगा था और दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा था। लेकिन खतरनाक काम भी तो वही किया करता था। हमारे कहने के मुताबिक लूट मार करके वो हमारे हिस्से का रुपया हमें दे जाया करता था। रुपया 2,000, 5,000, 10,000 जो रुपया हुआ। मैंने फैसला किया है कि अब कोई आखिरी और बड़ा हाथ मारूंगा, कम से कम 5 लाख। 5 लाख? हाँ वकील साहब, उसके बाद हम लोग सेठ बन जाएंगे और शरीफों की जिंदगी गुजारेंगे। मत करो ऐसी बातें, ऐसी बकवास तो आदमी दारू पीने के बाद किया करता है। वकील साहब, आज तक आपने हमेशा जॉनी पे भरोसा किया है। हाँ, इसीलिए मैंने अपने आप को तबाह कर लिया। मुझे अपना शहर छोड़ना पड़ा, मुजरिम बनना पड़ा। तुम्हारी दोस्ती से पहले मैं आराम से खाता पीता था, अच्छा खासा वकील था। हाँ, लेकिन चोरों और डाकुओं के वकील। लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें जेल जाने से बचाया है। और मैंने हमेशा तुम्हें मुंह मांगी फीस दी, अपना पार्टनर बनाया है। जब 5 लाख रुपए मिलेंगे तो 2.5 लाख तुम्हारे। ठीक है, ठीक है। सुनो 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 जॉनी, तुम कोई भी स्कीम या प्लान बनाओगे तो उसे पूरा करने के लिए तुम्हें राखा जैसे किसी मुजरिम की मदद लेना ही पड़ेगी। और मेरा ख्याल है कि जब तक हमें उससे कोई अच्छा मिल नहीं जाता। मिल गया है। मिल गया है? कौन है? है एक कुत्ती चीज। वकील साहब, आप पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज्यादा काबिल हैं। चाचा, इसलिए मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि आप उसे मिल लीजिए, देख लीजिए, परख लीजिए। कहाँ कहाँ है? ऊपर है। ऊपर? थैंक यू, थैंक यू। क्या क्या नाम है तेरा? शेरा। और तेरा? बदतमीज। लगता भी है बदतमीज। क्या कहा? बहरा है क्या? जानता है, जानता है मैं कौन हूं। शक्ल सूरत से तो इंसान लगता है लेकिन दुम के कसर है। यू बास्टर्ड। बस क्या? अबे हाथ छोड़, मेरा हाथ छोड़। जा, छोड़ दिया लेकिन ये सब तोड़ सकता था। बोल तो कौन है? मैं जॉनी का पार्टनर हूँ, पार्टनर। जा, जाके उसे कह दे कि उसने मुझे खरीद तो लिया है लेकिन मैं हर किसी के सामने नहीं झुकता। ऑलराइट। क्या हुआ वकील साहब? अरे हाथ तोड़ दिया कमबख्त ने। मैं कहता हूँ कहाँ से पकड़ के ले आए जानवर को? बड़ी मुश्किल, बड़ी तलाश के बाद मिला है। वैसे आपकी क्या राय है शेरा के बारे में? जंगली खूंखार भेड़िया। वैसे है तो अपने काम की चीज। जाने, मैं तुम्हारी खोज की दाद देता हूँ। हीरा हीरा मगर कच्चा, जरा तराशना पड़ेगा। कितना वक्त लगेगा? Well, it's a matter of time. मुझे यकीन है हम लोगों की ट्रेनिंग के बाद बड़े बड़े बदमाशों को छक्के छुड़ा देगा। वकील साहब, तब तो उसकी ट्रेनिंग जल्द से जल्द शुरू कर देनी चाहिए। फिर तुमने मुझे गलती की। बंदूक के साथ साथ तुम्हारी आंखें भी निशाने पर होनी चाहिए। तुम्हारी आंखें इधर उधर होती रहती हैं। तो क्या हुआ? देखो, अगर निशाने पर नजर नहीं होगी तो निशाना लगेगा कैसे? कैसे? ऐसे। अबे ये तो ऐसे लग गया, दोबारा नहीं लग सकता। हो सकता है दोबारा भी लग गया। अब बोलो। मैं बोलूं पेड्रो? क्या? ये छोकरा तेरा बाप है। तो बे, बंदूक चलाने में क्या कमाल है? मशीन है, थोड़ा दबाया चल गई, लेकिन चाकू चलाने के लिए बिजली की तेजी और हाथ की सफाई की जरूरत है। अब तुम कोशिश करके देख लो। एक
ये निशाना बहुत बड़ा था। निशाना जितना छोटा हो निशानेबाजी में उतना ही मजा आता है। जैसे कि वो देखो, ये लौंडा तो तेरा भी बात है। जाने, मैं अब पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि 5 लाख रुपया हमसे दूर नहीं है। शाबाश शेरा, अब तुम्हारी दूसरी ट्रेनिंग। इंस्पेक्टर साहब हैं? जी हाँ, आप बैठिए, मैं खुद मिल लेती हूँ। राका का कुछ पता चला? मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूँ कि राका के गिरफ्तार होते ही तुम्हें खबर कर दी जाएगी। ये सुनते सुनते मैं थक गई हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ, पुलिस राका को अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाई? इसलिए कि वो एक ऐसे खतरनाक इलाके में जाके छुप गया है जहाँ आसानी से पहुँचना नामुमकिन है। पुलिस का भी? हाँ, राका की तलाश में अब तक 3 पुलिस के आदमी अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। आओ मेरे साथ। ये है वो इलाका जो चारों तरफ ऊंची ऊंची चट्टानों से घिरा हुआ है। यहां पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ये दर्रा। यहां जो भी जाने की कोशिश करता है उसे गोली मार दी जाती है। इसका मतलब है राका कानून और पुलिस की पहुंच के बाहर है? नहीं, कोई भी मुजरिम इस इलाके में हमेशा के लिए नहीं रह सकता। राका की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी का ऐलान किया जा चुका है। लेकिन अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। क्या मतलब? मुझे अपने डैडी की मौत का बदला लेना है। वैसे भी राका के सर पर इनाम है। अगर आपका कानून मेरी मदद नहीं कर सकता तो मैं कानून को अपने हाथ में ले लूंगी। दूसरा माला भी तैयार हो गया, लेकिन अभी तक भूकंप नहीं आया। ले लो। आ गई। सुबह से गई है, अब तक नहीं लौटी। कौन? तुम्हारी भतीजी। और कौन? अरे लड़की पढ़ी लिखी है, समझदार है, आएगी नहीं तो जाएगी कहाँ? तुम तो बेकार की बातें करती हो। तो अफसर मारी गई है। पतंग की डोर जब तक हाथ में है खींच के रखो, ढील दी तो कोई काट लेगा। जब तक तुम्हारे भाई साहब जिंदा थे तुमने संध्या को किसी लड़के के साथ बात करते हुए देखा था? बिल्कुल नहीं। और आज वो अपने बाप के मौत का बदला लेने के लिए हर ऐरे गैरे नत्थु खैरे से मुंह लगाती फिरती है। इसका अंजाम क्या होगा जानते हो? क्या होगा? संध्या हाथ से निकल जाएगी। और क्या? संध्या जी, नमस्ते। कौन है आप लोग? चंगू। मंगू। चंगू मंगू जी, ये बंदूकबाज और ये तीरंदाज। यहाँ किसको निशाना बनाने आए हैं? आपको। आपके बाप को। जी? हम आपके बाप की मौत का बदला लेकर रहेंगे संध्या जी। बेटे चंगू मंगू जी, ये संध्या नहीं उसकी चाची है। आ? और मैं चाचा। चाचा जी। शनप, अब आप लोग यहाँ से फौरन निकल जाएं। चाचा जी, ये दोनों मुझसे मिलने आए हैं, आप और चाची यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है बेटी, चलो चाची जी? नहीं तुम चलो। तुम दोनों में से
मेरे पिताजी की मौत का बदला कौन ले सकता है? हम दोनों। क्या मतलब? राका या तो मेरे तीर से मरेगा या इसकी गोली से। या मेरी गोली से या इसके तीर से। वो बच नहीं सकता। कौन है? अरे 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 भी। ये क्या पागल बने संध्या, यहाँ जो भी आता है तुम उसे सब कुछ कह देती हो। मैंने तुमसे वादा किया कि तुम्हारे पिताजी की मौत का बदला मैं लूंगा। वादा वादा, पुलिस का वादा, तुम लोगों का वादा, ये सुनते सुनते मैं तंग आ गई हूँ। अब मुझे किसी के वादे पे भरोसा नहीं। मेरी तो खोपड़ी घूम गई मंगू, मेरा तो दिमाग ही खिसक गया। कहां से आ गई शैतान की औलाद? सत्यानाश उसका। अभी तो सत्यानाश हमारा हो गया है, वो अंदर हम बाहर। कोई बात नहीं चंगू, आज किस्मत धोखा दे गई, हम फिर कोशिश करेंगे, बदला लेके रहेंगे। क्यों बे रघू, पूरा एक महीना हो गया, न तो घुटनों का दर्द गया न कमर का। तू तो कह रहा था आगरे की तेल की मालिश से 6 महीने में ही जवानी वापस आ जाती है। सेठ जी अभी तो 5 महीने बाकी हैं, जवानी तो क्या बचपन वापस आ जाएगा। तब तो तेरी तनख्वाह में 8 आने बढ़ा दूंगा। किशोरी लाल कौन है बदतमीज? आप आए हैं तेरे नानी वकील साहब, इतने बरसों बाद। किशोरी लाल तुम बहुत बड़े सेठ हो गए हो। सेठ तो नाम के, माल कुछ नहीं। छी 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 छी, अभी तक झूठ बोलने की आदत नहीं गई तेरी। देखो भाई तुम्हारा मेरा हिसाब किताब बराबर हो चुका, अब तुम दोनों को 1 पैसा नहीं दूंगा। अरे काहे को हद तक इज्जत का दावा करवा रहे हो अपने ऊपर? हम पैसा मांगने आए ही नहीं। ए? तो फिर किस लिए आए? अबे सूरज, सेठ किशोरी लाल जी तुम्हारे चाचा है भाई। नमस्ते चाचा जी। चुप, मेरा कोई भाई नहीं, ये भतीजा कहाँ से आ गया? इतना बड़ा झूठ। तुम भूल रहे हो किशोरी लाल, शायद तुम्हें याद नहीं तुम्हारा बड़ा भाई बचपन में बर्मा भाग गया था, वहां जाकर तुम्हारी तरह बहुत बड़ा आदमी बन गया था। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? सेठ बिहारी लाल। पिताजी आपको हमेशा याद करते हैं। ये हिंदुस्तान घूमने आया है सेठ किशोरी लाल, कुछ दिन तुम्हारे साथ ही रहेगा। कभी नहीं, तुम जिसे भतीजा बना के लाया हो मैं उसे घर में घुसने ही नहीं दूंगा। चाचा जी। किशोरी लाल, आज दुनिया तुम्हें बहुत बड़ा सेठ समझती है, लेकिन आज से 15 बरस पहले वो बात पुरानी हो गई, खत्म हो चुकी। तुम्हारे जुर्म के सबूत हमारे पास हैं सेठ किशोरी लाल। मेरे पास वो कागजात हैं जिन पर तुमने जाली दस्तखत किए थे। हम जब चाहे तुम्हें जेल भिजवा सकते हैं। नहीं, नहीं, नहीं। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? भतीजा। चाचा जी। भतीजा। ये यही रहेगा सेठ किशोरी लाल, और तुम लोगों से यही कहोगे ये तुम्हारा भतीजा बर्मा से आया है। कहूंगा कहूंगा, लेकिन ये बर्मा वापस कब जाएगा? जब हम चाहेंगे। सूरज तुम्हारी बाकी की ट्रेनिंग यही होगी और हम तुमसे कभी कभी मिलते रहेंगे। किशोरी लाल ध्यान रखूंगा। चाचा जी। भतीजे भतीजे, मैं कब तक यहाँ खड़ा रहूंगा? क्यों खड़े क्यों रहोगे? चलो अंदर चलो, ये घर तो तुम्हारा ही है। चाचा जी आओ भतीजे। बाबूजी बाबूजी, यहाँ कैसे आ गया? शेरा से मिलने आया बाबूजी, बापू बहुत बीमार है। शेरा किसी काम से गया है तो यहीं उतार कर, मैं भेजता हूँ अभी। अच्छा जी। एड्रो खंडर में तुम्हें एक पहाड़ी लड़का मिलेगा, उसकी हड्डी पसली नरम करके भेज दो ताकि वापस न आने पाए, कोई खून खराब नहीं होना चाहिए, समझे? अरे चाकू काय को तेज कर रहा है, लड़के की सिर्फ हड्डी पसली तोड़ना है।
यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। लगता है भाग गया। चलो जानी साहब को चल के खबर कर दें। रघु तू सर की मालिश कर, इस भतीजे ने सर में दर्द कर दिया। अबरे के तेल से कुछ फायदा हुआ सेठ किशोरी लाल? सर का दर्द बढ़ गया। हम कामयाब हो जाएं तो तुम्हारी जवानी वापस आ जाएगी सेठ। सूरज कहाँ है? बगीचे में वकील साहब का बताया हुआ सबक याद कर रहा है। ठीक से करना। हाँ कर रहा हूँ। कौन सा सबक चल रहा है आज? बिना चाबी के ताले खोलना। और जो वकील साहब नकली दस्तखत करना सिखा रहे थे उसमें अभी तक हाथ साफ नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूं कि तुमने बड़ी जल्दी तरक्की की है। लो कुछ पैसे रख लो। किस लिए? अरे भाई सेठ किशोरी लाल के भतीजे की जेब कभी खाली नहीं रहनी चाहिए। लो मैं दो चार रोज के बाद आऊंगा। शेरा, शेरा तू यहाँ कैसे? तुझसे मिलने को मन किया, बड़ी मुश्किल से तेरा पता मिला। अरे तू तो बिल्कुल राजकुमार जैसा लग रहा है। मालिक मेरे काम से बहुत खुश है, मुझे किसी बात की कमी नहीं होने देते। तो मुझे भी काम दिला देना। नहीं, जो काम मैं करता हूँ वो तेरे बस की बात नहीं। मैं वो काम कर भी नहीं सकता जिससे बापू के सामने मेरा सर झुक जाए। क्या मतलब? मैंने सब सुन लिया है, तेरा मालिक अच्छा आदमी नहीं है, वो तुझे गलत रास्ते पर ले जा रहा है। चल मेरे साथ घर चल। नहीं, बापू बहुत बीमार है, रात दिन तुझे याद करता है। ये पैसा रख और बापू का अच्छी तरह से इलाज करना। बापू इस हराम की कमाई को हाथ तक नहीं लगाएगा। फिरो, रुपए में अच्छा बुराई की मोह नहीं लगी होती। तू नहीं चाहता बापू अच्छा हो जाए। ये ले, ये पैसा माँ को देना और जो कुछ भी सुना है सब भूल जा। शेरा मैं तुझे मिलेगा सब। माँ को जाके कहना मैं बहुत अच्छा हूँ, मन लगा कर काम कर रहा हूँ। शेरा तू गांव वापस नहीं आएगा? आऊंगा फिर, उस दिन आऊंगा जिस दिन मेरे पास बहुत पैसे होंगे, इतने पैसे कि हमको कभी गरीबी का मुंह देखना ना पड़े। चाबी तो घर जा। अजी सुनते हो, संध्या का दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। क्या हुआ? कहती है पिताजी हर साल शरद पूर्णिमा के दिन सबको खाना खिलाया करते थे और इस साल भी वही होगा। जरा सोचो तो, पिता को मरे हुए 6 महीने नहीं हुए, कितनी बुरी बात है। बहुत बुरी बात है। तुमने संध्या को समझाया नहीं? मैंने बहुत समझाया लेकिन कहती है जो रीत पिताजी ने बनाई है वो करते ही रहेंगे। लड़की हो तो ऐसी हो। तुम चुप रहो जी, इसका मतलब ये कि वो मनमानी करती रहे और हम उसके चाचा चाची होते हुए भी चुपचाप देखते रहे। अरे इसी में अपनी भलाई है, भाई साहब की तरह संध्या भी बड़ी जिद्दी है। अगर तुम बात बात पर उसको इसी तरह डांटती रही तो वो एक ना एक दिन तुम्हें और मुझे दोनों को घर से बाहर निकाल देगी और फिर मुझे तुम्हारी खातिर कहीं नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं और देखो जिस दाल पर बैठे हैं उसे काटना कहाँ की अकलमंदी है। तुम्हारी अकल पर तो पर्दे पड़ गए। जानते हो संध्या ने आस पास के सारे जवान लड़कों को पार्टी पर बुलाया है, लगता है स्वयंवर रचाने वाली है। स्वयंवर का रिवाज भी कितना सुंदर था आना। सैकड़ों में एक को पसंद करने की आजादी होती थी, अब एक गले पड़ गई है तो पीछा छुड़ाना मुश्किल है। लल्लू, तुमने ठाकुर लल सिंह को लल्लू बना दिया लेकिन उल्लू नहीं बना सकती। मैं कहता हूँ लड़की को ज्यादा मत छेड़ो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। ताश का घर बनने में देर लगती है लेकिन गिरने में देर नहीं लगती। जाओ एक कप चाय बना के लाओ। सुना नहीं, चाय बना के लाओ। शेरा अब तुम्हारी तालीम पूरी हो गई, आज तुम्हारा इम्तिहान है। आज के जलसे में तुम्हें संध्या से मिलना है और उसके दिल और दिमाग पर पूरी तरह छा जाना है। मैं पूरी तरह कोशिश करूंगा लेकिन याद रखो बरखुदा, संध्या तुम्हारे लिए खूबसूरत लड़की ही नहीं बल्कि 10 लाख रुपए की सॉलिड रकम है जिसमें से आधा तुम्हारा आधा हमारा। लेकिन शेरा हमसे ज्यादा खुश नसीब है, इसे खूबसूरत बीवी मिलेगी, जमीन जायदाद लाखों रुपया। अगर ये संध्या को फांसने में कामयाब हो गया तो? कामयाब तो होना ही है जॉनी साहब। संध्या 10 लाख रुपया है और रुपया मेरा वो सपना है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। उसे पाने के लिए मैं अपनी जान की बाजी
फांसी तक लगा सकता हूँ जानी साहब। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। आप लोग इससे पहले भी आ चुके हैं। जी हाँ, उस वक्त आपका टाइम खराब था। इनका मतलब है कि हमारा टाइम खराब था, इसलिए हम मार खा गए। तो आज फिर कैसे आ गए? पर भाई कहाँ से आवाज आई? हेलो, अरे तभी से बात करो, अरे पिट जाएगा तू हमसे। आइए आइए सेठ जी, आइए आइए आइए। नमस्ते ठाकुर साहब, आपके भाई साहब गुजर गए, मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। मैं तो आज इस पार्टी में आना नहीं चाहता था, लेकिन इस बच्चे के लिए आना पड़ा। ये मेरा भतीजा सूरज बर्मा में रहता है। जी हाँ, मेरे बड़े भाई साहब 40 साल पहले बर्मा चले गए, वहाँ लखपति बन गए, इसलिए वही सेटल हो गए। जी हाँ, सूरज पहली बार हिंदुस्तान आया, वो भी इस पहाड़ी इलाके में, वो रो रहा था, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आया। अब ये बिल्कुल बोर नहीं है। थैंक यू। अच्छा, आप मुझे इजाजत दीजिए, जल्दी जा रहे हैं, कुछ खा पी के जाइए। जी नहीं, मुझे तो परहेजी खाना खाना पड़ता है, फिर किसी दिन। चैन, तुम सूरज के साथ रहना। अच्छा अच्छा, तो नमस्ते। आओ बेटा, आओ आओ। चलो, जब से मैं ये आया तब से एक भी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। मैं तो ये सोचने लगा कि हिंदुस्तान में खूबसूरत लड़की है ही नहीं। अभी आपने पूरा हिंदुस्तान देखा ही कहाँ है। आपको जो देख लिया, अब और कुछ देखने की जरूरत है? हर लड़के के सपने में एक लड़की होती है, और वो लड़का उसे ढूंढता रहता है जब तक वो उसे मिल नहीं जाती। तकदीर वाला वही होता है जिसे वो मिल जाए, जैसे कि मैं। संध्या, सब लोग आ गए हैं, बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आओ सूरज। मेरे पिताजी बहुत बड़े शिकारी थे, और इसीलिए आज के दिन निशानेबाजी का मुकाबला हुआ करता था। आज पिताजी नहीं है, लेकिन मुकाबला होगा। पहला निशाना कौन लगाएगा? मिस्टर सूरज, क्योंकि यहाँ सबसे समझदार मैं हूँ, तो पहला निशाना मैं लगाऊंगा। 1, 2 लो भाई, ये क्या कर रहा है? देखा, हट। सूरज, योर टर्न। इसमें खामी है। इसमें या आप में? ये बाद में बताऊंगा। अंधेरा, चलो अब हंगामा हो जाए। अब तेरी तो चंगू, तूने फिर गलती की। मंगू, मैंने कहाँ गलती की? मैंने तो मोमबत्ती ठीक टाइम पे लाई थी, तूने पिस्तौल नहीं चलाई। पिस्तौल नहीं चलाई तेरी तो मंगू, तूने मुझे मारा। मैं मोमबत्ती नहीं लाऊंगा, नहीं लाऊंगा, नहीं चंगू, मोमबत्ती नहीं लाऊंगा। ये जो मोहब्बत, बेसुरा और बेताला दोनों एक साथ बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। आउट, आउट। I say get out.
मुझे तुमसे एक बात कहनी है। बोलिए। यहाँ नहीं, बाहर। हाजी साहब कहिए। आज के बाद अगर तुमने संध्या से मिलने की कोशिश की तो अच्छा ना होगा। क्यों? क्योंकि मेरी जैसे प्यार करता उससे शादी करने वाला। हाँ हाँ, आपने की तो नहीं ना, और जब तक संध्या कुमारी है वो आपकी है, मेरी है, सबकी है। हाँ 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 मुन्ना, अब घर जाकर हाथ मुंह धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर आना। हाँ जोश आ गया। अरे पर मुझे तो होश आ गया। मंगू, तूने देखा आज कितने लड़के संध्या पे लाइन मार रहे थे? अब संध्या को हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है। कौन सा? उसे हासिल कर लिया जाए। कैसे? उनको लाइन में खड़ा रहने दो, हम लोग लाइन से हट जाते हैं और राका को पकड़ कर उसका सर काट देते हैं और प्लेट में रख देते हैं। हाँ? और सबसे पहले संध्या के कदमों में रख देंगे। फिर तो वो अपनी हो जाएगी ना। अपनी यानी के तेरी या मेरी? भाई अगर तेरी गोली लगी तो तेरी, और अगर मेरा तीर लग गया तो तेरी। सूरज, मैं तुम्हें हॉल में ढूंढ रही थी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हॉल में भीड़ भाड़ थी इसलिए बाहर चला आया। हाँ, आपका गार्डन देखा, कुछ खूबसूरत फूल भी देखे। तुम्हें फूल पसंद है? लेकिन सिर्फ खूबसूरत फूल, फूल तो बहुत से होते हैं संध्या जी, लेकिन 100 में से एक फूल ऐसा होता है जो आंखों में समा जाता है। जरा मैं भी तो देखूं कौन सा फूल पसंद है तुम्हें, चंपा, मोगरा या गुलाब। अगर मैं कहूं ये फूल पसंद है तो? तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? कुछ नहीं, फूल के साथ कांटे तो होते हैं संध्या जी, एक फूल को छूने के लिए हाथ बढ़ा, कांटा चुभ गया। अभी तक है? नहीं, मैंने उसे निकाल कर फेंक दिया। फिर भी दर्द तो हुआ होगा। दर्द तो प्यार में होता ही है। देखा, ये लड़का आज ही आया है और आज ही संध्या इसके पीछे पड़ गई। लड़का बुरा तो नहीं? क्या बकते हो, पहले जितने भी लड़के आए उनसे तो अच्छा है। तुम चुप रहो जी, तुम तो गुस्सा करती हो, यहाँ सर्दी लग रही है। चलो अंदर रजाई में बैठ के बात करेंगे। चलो ना। गोमा में भी बर्फ गिरती है? बिल्कुल, जब बर्फ गिरती है तब मैं पहाड़ियों पे चला जाता हूँ। तुम्हें बर्फ से भी प्यार है? जी हाँ, इसलिए कि बर्फ सफेद होती है, सफेद रंग पवित्रता का, खुशी का रंग है, और सफेद रंग में इंद्रधनुष के सातों रंग भी होते हैं। तुम्हारी बातें वाकई दिलचस्प है। अगर तुम्हें इंद्रधनुष के सारे रंग देखने हैं तो परसों मेरे साथ मेरे फार्म हाउस पे चलो, जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। हमारे हिमालय को देखकर तुम अपने बर्मा को भूल जाओगे। वो तो मैं तभी भूल गया था जब तुम्हें पहली बार देखा था। आओ आओ शेरा, मुबारक हो बरखुरदार, तुमने पहली कोशिश में बाजी मार ली। ये सब आप ही की मेहरबानी है, आप ही से सिखा है। वाह भाई वाह, मेरा कोई जिक्र ही नहीं, क्यों शेरा भूल गया तू? अरे मैंने तुझे भेड़िए से इंसान बनाया। भूल कैसे सकता हूँ वकील साहब, भेड़िया इंसान का बहुत पुराना दुश्मन है, जब भी आमना सामना होता है हमला कर देता है। आज भी तोड़ सकता था, छोड़ दो। हंस रहे हो, सरकारी गवाह बन गए क्या? मैं पूछता हूँ तुम इसकी बदतमीजी क्यों बर्दाश्त करते हो? अरे भाई करनी ही पड़ेगी, हम दोनों के सामने वकील साहब 5 लाख का सवाल है, और हमारे सवाल का जवाब ये शेरा है, इसने संध्या को फांस लिया, अब 5 लाख कोई दूर नहीं। हाँ, इसका मतलब है केस की फाइल बंद। अब मुझे क्या करना है? देखो, संध्या ने तुम्हें अपने फार्म पे बुलाया है, तुम वहां जाओ और वहां से कामयाब होकर लौटना। चैन को अपने साथ ले जाओ ताकि तुम्हारी हर खबर मुझे मिलती रहे। अच्छा वकील साहब।
नहीं यकीन किया था कि पहली नजर में प्यार किया जा सकता है। प्यार क्या नहीं जाता, हो जाता है। सूरज, तुम मुझे कितना चाहते हो? जितना कभी किसी ने किसी को नहीं चाहा। मेरे लिए तुम क्या कर सकते हो? गलत ये पूछो, मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता। इस पहाड़ी के उस पार जा सकते हो? इतनी छोटी सी बात, तुम्हारे एक इशारे पर अपनी जान भी दे सकता हूँ। किसी की जान ले सकते हो? सिर्फ इतना बता दो किसकी जान लेनी है। काका की, जिसने मेरी आंखों के सामने मेरे पिताजी को बेदर्दी से मार डाला। काका इस पहाड़ी के पीछे छुपा हुआ है, पुलिस भी वहां जाने से डरती है। अगर मैं लड़की ना होती तो अपने पिताजी की मौत का बदला लेने के लिए अपनी जान के पास ही लगा देती। मेरी जान, अब तुम्हारी जान भी मेरी जान है। तुम्हारे पिताजी की मौत का बदला लेना भी अब मेरी जिम्मेदारी है। कल सूरज निकलते ही ये सूरज रवाना हो जाएगा। लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते, वो डाकू है, तुम्हें मार डालेगा। नन साहब, मेरा निशाना इतना पक्का है कि मैं उड़ती चिड़िया को गिरा सकता हूँ। एक मिनट, ये लो, ये मेरे पिताजी का रिवॉल्वर है। जब उनका खून हुआ था तो ये उनके हाथ में थी। अब राका की मौत इसी रिवॉल्वर से होगी। सूरज, मैं तुम्हें मौत के मुंह भेज रही हूँ, लेकिन ये मत समझना कि मैं तुम्हारे प्यार का नाजायज फायदा उठा रही हूँ। संध्या, प्यार में पहला फर्ज होता है अपने महबूब की हर ख्वाहिश पूरी करना। अगर उसमें जान भी चली जाए, सहने से। सूरज, खामोश क्यों? गुड लक नहीं कहोगी? सूरज, तुम मत जाओ। ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? कल तक पिताजी की मौत का बदला लेने के लिए मैं पागल थी। इसी पागलपन की वजह से मैंने कई लड़कों के साथ दोस्ती की, लेकिन सबकी नजर मेरी दौलत पर थी। उनमें से एक भी तुम जैसा दिलेर नहीं था। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, क्योंकि तुम मुझे चाहते हो, मेरी दौलत को नहीं। नहीं संध्या, तुम मुझे मत रोको। अगर मैं रुक गया तो खुद अपनी नजरों से गिर जाऊंगा। अगर तुम लौट कर आ सके तो तुम्हारा प्यार मुझे वापस लाएगा। संध्या का सूरज हमेशा ढलता है और हमेशा वापस आता है। हंसकर विदा नहीं करोगी? रोज इसी जगह मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।
जा मरना है क्या साले सब डर गए बोतल इधर ही आएगी सलोनी क्या है बे दारू लाओ तुम लोगों को बहुत चढ़ गई है बाद में मार मारी होती है जाओ जाके सो जाओ बाप रे शैतान है कि शैतान की खाला है औरत है ये कौन है बे अबे कौन है पहले कभी नहीं देखा बच्चे अपनी माँ की गोदी छोड़कर इस इलाके में कैसे आ गया मेरी माँ ने मुझे एक ही बात सिखाई थी जो भी मुझे छेड़ता है मैं उसे छोड़ता नहीं हूं माफ कर दो हमें फिर कभी मेरे सामने नहीं आना चल हट ए, कौन है तू जादूगर जो आग लगा भी सकता है और बुझा भी सकता है सराय की मालकिन तुम हो हाँ मुझे कुछ दिन रहने के लिए कमरा चाहिए लेकिन तू है कौन मैं कौन हूँ और किधर से आया हूँ ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं ठीक है एक कमरा खाली है 10 रुपया लगेगा रोज वो भी पहले ये लो 100 रुपए जाते वक्त हिसाब किताब कर लूंगा आओ कमरा दिखा दो अब इसने बना लिया है मेरे घर में घर अब इसको नहीं है कोई डर ये रहा कमरा तुम राका को जानती हो राका तुम्हें उसे क्या काम है मुझे उसकी जान लेनी है तुम नहीं जानते राका कितना खतरनाक है बड़े बड़े डाकू उसका नाम सुनकर कांपते हैं जिसने भी उसका सामना किया उसे जिंदा नहीं रखा मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि वो कहाँ मिल सकता है मुझे नहीं मालूम तुम मेरे लिए अजनबी हो मैं तुम्हारी मौत की वजह नहीं बनना चाहती शेरा पीछे पहाड़ के सामने जंगल है जिन चट्टानों में राका छुपा हुआ है उसके सामने काफी जगह है राका जानी का चमचा यहां कैसे कोई तुमसे मिलना चाहता है कौन तुम्हारी मौत कहां है जल्दी बुलाओ हमने कई दिनों से दो पैरों वाले जानवर का शिकार नहीं किया हो राका मेरे सर पर 50,000 का इनाम है जिसे पाने के लिए तुमसे पहले भी कई लोगों ने कोशिश की और उन लोगों की लाशें इन्हीं चट्टानों के पीछे कहीं गड़ी हैं मैं इनाम के लिए नहीं राका इन्हीं चट्टानों में तुम्हारी कब्र बनाना
अगर मुझे मालूम होता तो मैं पहले से ही तुम्हारी कब्र खोद कर रखता। सुनो, मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। भलाई इसी में है कि तुम यहां से चले जाओ। जाओ। बहुत बोल चुके हो राका, अब तो अपनी पिस्तौल को बोलने दो। यह बात है, तुम्हारी जवानी पर रहम खाकर मैं तुम पर गोली नहीं चलाऊंगा। या गोली चलाने की हिम्मत नहीं है राका, मैं तुम्हें कुछ देर और जिंदा रहने का मौका देता हूं, बशर्ते यकीन हो गया ना, ये चट्टाने तेरी कब्र में बदल जाएंगे। तुम भी बुरी तरह जख्मी हो गए हो। राका की लाश सराय तक पहुंचाना जरूरी है ताकि लोगों को मालूम हो जाए राका मर गया। पहुंच गया ऊपर राका, अब नहीं डालेगा डाका। चैंग, सूरज ने राका को मार डाला लेकिन उसे भी गोली लगी और बुरी तरह जख्मी हो गया है। पता नहीं बचेगा या मरेगा, मैं तो सिर्फ आपको यह खबर देने आया था। और जब मैंने उससे यह कहा कि पता नहीं बचेगा या मर जाएगा तो संध्या के आंख से आंसू आ गए। शाबाश चैंग, शाबाश। अब संध्या शेरा के लिए तड़पेगी और दिन उसका इंतजार करेगी। तू एक काम कर, तू अभी इसी वक्त शेरा के पास चल और उसे कहना मैंने कहा है कि 2 हफ्ते तक वो वहीं रहे। वो जितनी देर से लौटेगा संध्या उतनी ही जल्दी उससे शादी करना चाहेगी। जा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो?
लो गरम गरम शोरबा पी लो, कमजोरी दूर हो जाएगी। मैं बेहोश हो गया था ना? शुक्र है कि तुम बच गए। ये पट्टी तुमने बांधी है? काफी खून निकला था, तुम्हें बिल्कुल आराम करना चाहिए। डाकू की मंगेतर डाकू में रहने वाली और इतनी हमदर्दी, ताज्जुब। वो डाकू जरूर था, लेकिन मुझसे शादी करने के बाद उसने कसम खाई थी वो एक अच्छा इंसान बनेगा। हमने सोचा था हमारा एक बेटा होगा, उसे खूब पढ़ाएंगे, एक शरीफ इंसान बनाएंगे, लेकिन मेरा आदमी पुलिस की गोलियों का शिकार बन गया। जिसका सीना फौलाद का था वो कुत्ते की मौत मारा गया और हमारा सपना अधूरा रह गया। तुम्हारा भी यही हाल होगा, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। मैं बुरा आदमी नहीं हूं। राका ने किसी की जान ली थी और राका की जान लेने का वादा मैंने किसी से किया था। किससे? जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूं। सच? लो। ये क्या है? ये 25,000 रुपए राका के थे, डाकू के रीत के मुताबिक ये अब तुम्हारे हैं। एक अच्छी जिंदगी शुरू करने के लिए ये रुपए काफी हैं। लो ये रुपए तुम ही रखो, तुम्हारा कोई नहीं आना, तुम्हारे काम आएंगे। आज तक लगता था मेरा कोई नहीं है, लेकिन आज से नहीं लगेगा। हम सब पिएंगे। क्या हो रहा है? हम सब पिएंगे। हम शोर क्यों मचा रहे हो? हम सब पिएंगे। हम सब पिएंगे। क्या ऊपर पहुंच गया राका, अब नहीं डालेगा कोई डाका। आज जी भर के सबको पीने दो, एक दिन खुशी से जीने दो। हाँ, सबको पीने दो, जी भर के पीने दो। आओ, आज मैं तुम सबको जी भर के पिलाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं पीऊंगा। आओ बाहर आओ। ये लोग राका की मौत का जश्न मना रहे हैं और मैं तुम्हारी जिंदगी का। सूरज, अगर राका तुम्हें मार देता तो एक अच्छी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती, लेकिन किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया ताकि तुम उसका साथ दे सको जिसे तुम चाहते हो। तुम नीचे जाओ, मैं अभी आती हूँ।
दिल में आकर साथी बनो या महबूबा, तुम तो अधूरा सपना हो सारी दुनिया का। दुनिया में हर कोई तुमसे ही जीना, तुमसे ही मरना चाहेगा। अरे जिसने मिलाई तुमसे नजर, वो कदमों में सर को झुका देगा। दरवाजा बंद कर दो। मेरे पास आओ। यहां बैठो, बैठो ना। मैं तुम्हारी तरफ अच्छे आदमी बनने की कोशिश करूंगा, जैसे तुम अपने बेटे को देखना चाहती थी। सूरज, शाबाश शेरा, आखिर तुमने सलोनी को फांस लिया। कमीने, फिर कभी ऐसी गंदी बात अपनी जबान से निकाले तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। जा, जाके जॉनी से कह दे मैं उसे मिलना चाहता हूं। मैं संध्या को धोखा नहीं दे सकता। इसका मतलब है तुम? मैं उसे प्यार करने के काबिल नहीं हूं, क्योंकि मैं झूठा हूं, फरेबी हूं। अगर आप कहें तो आपके एक इशारे पर अपनी जान भी दे सकता हूं, लेकिन संध्या को धोखा देकर मैं उससे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत अच्छी है और मैं बहुत बुरा। तुम उसे हकीकत बता दो कि तुमने उससे पैसे के खातिर प्यार किया था। नहीं तो तुम चाहते क्या हो? मुझे खुद नहीं मालूम। पहले तुम फैसला कर लो, और जो कुछ तुम चाहते हो उसे खत में लिखकर संध्या को भेज दो। मेरा खत संध्या तक पहुंचेगा? जरूर पहुंचेगा, ये मैं वादा करता हूं। और तुम भी वादा करो कि उसके खत का जवाब आने तक तुम यहीं रहोगे। शेरा, मेरे लिए तुम 5 लाख से भी ज्यादा कीमती हो। इस दुनिया में दौलत की कोई कमी नहीं। अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम्हारे जरिए दौलत कमाने का मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगा। लेकिन एक बात याद रहे, जब तुम्हारी शादी संध्या से हो जाए तो हमारे 5 लाख के देनदार तुम रहोगे। अगर उस वक्त तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। चैंग, शेरा का खत बिना खोले बिना पढ़े संध्या के पास पहुंचा दो। चैंग, सूरज ने चिट्ठी दी। संध्या, मैंने राका को मारकर अपना वादा पूरा किया, लेकिन तुमने शर्त रखी थी कि तुम उसी से शादी करोगी जो तुम्हारे पिताजी की मौत का बदला लेगा। और प्यार में शर्त नहीं होती, इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर जा रहा हूं। हो सके तो मुझे भूल जाना। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, वजह भी नहीं पूछूंगी। तुम्हारी चिट्ठी का जवाब सिर्फ ये बताने के लिए दे रही हूँ कि मेरी जिंदगी तुम्हारी है, मैं भी तुम्हारी हूँ हमेशा हमेशा के लिए। तुमने मेरे पिताजी की मौत का बदला लेकर अपना वचन पूरा किया, इसके लिए मैं जीवन भर तुम्हारी आभारी रहूंगी। तुम चाहे आओ ना आओ, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी। तुम्हारी संध्या।
तुम जा सकते हो। कहा? मगर जॉनी साहब को कहूं कि मैं तुम्हारे साथ। मैंने कहा ना तुम जाओ। मैं जा रहा हूं। फिर कभी मत आना। अपना दुख अपने सीने में छुपा रखा था, अपने आंसू किसी को नहीं दिखाए थे, लेकिन तूने मुझे रुला दिया। जा, हमेशा खुश रहना। ऐसे नहीं। मेरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दो कि मैंने तुम्हारी जो कसम खाई है उसे मैं निभा सकूं। मुझे यकीन है तू कभी गलत रास्ते पर नहीं चलेगा। वापस आ गए, मुझे सब कुछ मिल गया। मैं भी तुमसे एक वादा करना चाहती हूँ। क्या? आज तक जो मेरा था अब तुम्हारा है। संध्या का खत पढ़ के वो बहुत खुश हुआ। फिर? उसने मुझसे कहा तुम जा सकते हो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। लेकिन चुपके से मैंने उसका पीछा किया। उसके बाद क्या हुआ? संध्या से उसकी मुलाकात हुई और उसके साथ वो चला गया। वाह वाह वाह, चैन को भगा दिया और खुद लड़की के साथ चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं ये शेरा हमें धोखा देना चाहता है? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि शेरा इतनी जुर्रत करेगा। इसका कोई भरोसा नहीं है। सुनो, तुम शेरा पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने लगे हो। वकील साहब, आप मेरी जगह होते तो क्या करते? मैं शेरा और संध्या को एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। चैन, तुम फौरन वापिस जाओ और शेरा पे नजर रखो, मगर दूर से। जाओ। शेरा अगर जिंदगी में किसी को धोखा देगा तो वो अपने आप को। चाचा जी, हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया है। मुबारक हो, मुबारक हो। कब किया ये फैसला? अभी अभी। अच्छा किया। अब अंदर चलकर अपने ससुर और देवरों से मिलो। क्या मतलब? हाँ, वो कहते हैं हम सूरज के बाप और भाई हैं। मेरे बाप और भाई? हाँ हाँ, अंदर आओ, उनसे मिल लो। आओ। शेरा, अरे ऐसे क्या देख रहा है? इतना बड़ा हो गया है कि अपने गरीब बाप और भाइयों को भी नहीं पहचानता। तुम लोग पता नहीं कहां से चले आते ये लोग। अरे इससे पहले तो इनकी शक्लें तक नहीं देखी थी। 420 घंटे। बापू, मैंने कहा था ना तुमसे, शेरा का खून सफेद हो गया है, इससे मिलने के लिए तड़प रहे थे ना तुम। अब तसल्ली हो गई? चलो बापू, आज से हमारे लिए ये मर गया। नहीं बेटा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। ये अपना शेरा नहीं है। बापू चुप रहे, माफ करना, हमारी आंखों को धोखा हो गया है, क्योंकि तुम्हारी सूरत बिल्कुल मेरे बेटे से मिलती है, लेकिन तुम मेरे शेरा नहीं हो और हो भी नहीं सकते। मेरा बेटा तो मुझे देखते ही बापू कह के मेरे सीने से लग जाता। माफ करना,
हम जाते हैं। चलो भैरू। बात कुछ समझ में नहीं आई। देखने में तो बड़े भोले भाले सीधे साधे लोग थे। क्या बात करते हैं चाचा जी, ऐसे ठगों को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तुम ठीक कहते हो संध्या, मैं भी आया। मैं अगर तुम्हारी जगह होता बापू तो शेरा की टांग तोड़ देता। मैं तुम्हारी जगह होता तो शेरा को माफ करता। बापू, अगर मैं या भीमा तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करते तो क्या तुम हमें माफ कर देते? नहीं बेटे, तुम लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम लोगों ने पैसा नहीं देखा और शेरा ने देखा है। बापू, क्या पैसा देखने के बाद आदमी जानवर बन जाता है? हर आदमी नहीं बन जाता बेटे, लेकिन जो पैसे को सब कुछ मान लेता है वो। बापू, मुझे माफ कर दे बापू, मैं संध्या से प्यार करता हूँ। मैंने उसे झूठ कहा कि मैं अमीर का बेटा हूँ। अगर उसे असलियत मालूम हो जाती तो मुझसे नफरत करती बापू। मुझे इसी बात का दुख है शेरा, कि मैंने तुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया। सत्य भगवान होता है, झूठ शैतान, और झूठ कभी नहीं फलता। प्यार भी सत्य होता है भगवान की तरह। तुम उस लड़की को सब कुछ सच सच बता दो, अगर वो तुझसे सच्चा प्यार करती है तो तुझे अपना लेगी, नहीं तो हम तेरी राह देख रहे हैं। बेटा, तेरी माँ तुझे बहुत याद करती है। क्या हुआ, वो लोग चले गए? नहीं, मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्यों? आज तक मैं तुमको धोखा देता रहा। मेरा वर्मा से आना, सेठ किशोरीलाल का भतीजा होना, ये सब झूठ है। अभी अभी जो लोग आए थे वही मेरे अपने हैं। बापू चाहते थे मैं ईमानदारी की जिंदगी बसर करूं, लेकिन मैं बुरा था। मैंने तुम्हारी दौलत की खातिर तुमसे प्यार का नाटक किया, और अब मैं तुमको दिल से चाहने लगा हूं। तुम्हें दिल की बात बता दी, मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। अब मैं तुम्हारा फैसला जानना चाहता हूं। चले जाओ, चले जाओ यहां से। आज के बाद मैं तुम्हारी सूरत तक नहीं देखना चाहती। क्या हुआ, ठुकरा दिया उसने? हाँ बापू, तुमने ठीक ही कहा था, झूठ कभी नहीं फलता। बेटे, सुबह का भूला शाम को लौटे, उसे भूला नहीं कहते। चल, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है, चल बैठ जा।
चला गया, गांव वापस चला गया, इट्स अ केस ऑफ चीटिंग। जाने, मैं तुमसे हमेशा कहता था कि शेरा एक ना एक दिन हमें जरूर धोखा देगा। वकील साहब, वो धोखा तो हमें तब देता जब संजय से शादी करके हमारा हिस्सा देने से इनकार कर देता। वो तो सब कुछ यहाँ छोड़ के चला गया है। चला गया, लेकिन जाएगा कहाँ? हमने उसके लिए इतना रुपया जाया किया, अपना वक्त बर्बाद किया है। उसे संजय से शादी करके हमें 5 लाख रुपया देना ही होगा। भूल जाओ उन 5 लाख रुपए शेरा को, वो हमारे पास से बहुत दूर जा चुका है। वकील साहब, हमने उसे खतरनाक मुजरिम बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, लेकिन उसके दिल के अंदर भलाई और सच्चाई की छोटी सी चिंगारी जल रही थी जिसे हम नहीं बुझा सके, और वही चिंगारी बढ़ते बढ़ते आग बन जाएगी वकील साहब, और जिसका सामना करने की मुझमें हिम्मत नहीं। लेकिन मुझमें हिम्मत है, मैं आग से आग बुझाना अच्छी तरह जानता हूँ। मैं जाऊंगा या उसे वापस लाऊंगा या उसकी जान ले लूंगा। नहीं, तुम उसके पीछे नहीं जाओगे वकील। जाने, मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, नौकर नहीं। संध्या हमेशा के लिए जा रही है। क्या? मैंने उसे स्टेशन पे देखा। तो बेवकूफ, तूने पहले क्यों नहीं बताया? पेड्रो, मेरे आने तक वकील साहब यहां से जाने ना पाए। पेड्रो, सामने से हट जाओ और मुझे जाने दो। मालिक के वापस आने तक आप यहां से नहीं जा सकते। अच्छा, अगर तुम यही चाहते हो कि मैं तुम्हारे मालिक तरह बुजदिल बन जाऊं, तो ठीक है, मैं नहीं जाता। पेड्रो, पेड्रो, चाहे तू जानी साहब को जाकर खबर कर दे। इसमें मेरी कांच की चूड़ियां हैं। अरे किसने तुम्हें कहा था इतना सामान लेकर आओ? तुम्हें खबर नहीं आज कल चोरी मत होती है? रहो जी। हाँ। पहले वो पोटली उठाकर इधर रखो। इसमें क्या है? इसमें मोतीचूर लड्डू, दाल मोठ, गाजर हलवा, सारी खाने की चीजें इसी में तो है। आंखों से तो कोई दूर हो सकता है, लेकिन दिल से कभी दूर नहीं हो सकता। तुम कहीं भी जाओगे चैन नहीं मिलेगा तुम्हें। जिससे तुमने प्यार किया था उसी का दिल तोड़ दिया। मैं शेरा की बात कर रहा हूँ। मैं उसका नाम तक नहीं सुनना चाहती। आप है कौन? मैं बहुत बुरा, बहुत बदमाश आदमी हूँ। तुम्हें फंसाकर तुम्हारी दौलत हासिल करने के लिए शेरा को मैंने तुम्हारे पास भेजा था। मैंने उसे अपनी तरह बुरा आदमी बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। मेरा नौकर था, मेरे इशारे पर चलता था, लेकिन वो मुझे धोखा दे गया तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, क्योंकि वो तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता था। ये झूठ है, उसने मुझे धोखा दिया है। तुम बेवकूफ हो, तुम उसके प्यार में पागल हो चुकी थी, तुम उसके कब्जे में आ चुकी थी। अगर वो चाहता तुमसे शादी करने के बाद में अपनी असलियत बताता, फिर तुम क्या करती? वो तुमको और तुम्हारी दौलत को ठुकरा कर गांव वापस चला गया। वहां शायद उस बेचारे को दो वक्त की रोटी भी नसीब ना होती होगी, लेकिन वो खुश है क्योंकि उसने तुम्हारी तरह प्यार को बदनाम नहीं किया। ट्रेनें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन शेरा जैसा चाहने वाला जिंदगी में दोबारा नहीं आता। ठीक है, जाओ, जितनी दूर हो सके शेरा से चली जाओ। अपना क्या होगा? चुप रहो, रोती क्यों हो? बेचारी सारा सामान तो छोड़ गई। लड्डू संभाल के रखो, चलो चलो। हैंड्स अप। इंस्पेक्टर साहब, आप बहुत सही वक्त पर आ गए। लीजिए, मुझे पुलिस स्टेशन ले चलिए। मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुर्म आज खुद लिखवाऊंगा। मैंने एक नेक इंसान को खराब करना चाहा, उसके जमीर का खून करना चाहा, जो मैं ना कर सका। चलिए इंस्पेक्टर साहब। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे चले जाने के बाद तो जॉनी को मेरी जान का दुश्मन होना चाहिए, क्योंकि उस जैसा खतरनाक और कमीना। ऐसा मत कहो, जॉनी मेरे लिए एक फरिश्ता है। उसी की वजह से तुम मेरी जिंदगी में आए। तुम्हें पाकर मैं खो चुकी थी, और आज उसी की वजह से तुम्हें फिर पा लिया। अब मैं जिंदगी भर तुम्हारी शक्ल
देखना चाहती हूँ। इसका मतलब एक पैसे वाली लड़की एक गरीब लड़के से शादी करेगी? करनी पड़ेगी, मजबूरी है, क्योंकि जॉनी ने कहा था। क्या कहा था जॉनी? यही कि शेरा जैसे चाहने वाला जिंदगी में दोबारा नहीं आता। जॉनी ने शायद ठीक ही कहा था। अभील अंकल, शेरा से जितनी दुश्मनी आपकी है उससे ज्यादा मेरी। संध्या ने मुझसे शादी करने का वादा किया था और राका ने हमारे हाथों मरने का। लेकिन उस सूरज के बच्चे ने राका को मारकर हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि सूरज अकेले हमारे बस का रोग नहीं है। हमें यहाँ से कुछ गुंडे किराए पर लेकर फौरन नरसिंहपुर पर ढाबा बोलना चाहिए। अंकल, मैं फौरन बंदोबस्त करता हूँ गुंडों का। जा। राजू, सूरज की जान खतरे में है, मैं उसके गांव जा रही हूँ, तुम यहाँ की देखभाल करना। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। सलोनी चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? सूरज को खबर करने। अब तुम उसे नहीं मार सकते। सलोनी को नरसिंहपुर नहीं पहुंचना चाहिए। चलो मेरे साथ आओ। सूरज, तुम्हारी जान खतरे में है। वो लोग तुम्हें मारने आ रहे हैं। कौन मारने आ रहे हैं? सलोनी। ये कैसे हुआ? मैं तुम्हें कहने आ रही थी, रास्ते में उसने गोली मार दी। किसने? कोई वकील साहब ने। सूरज, तेरा हाथ दे। सलोनी, देना। जब तू मुझे मिला था, मुझे ऐसा लगा मेरे सपनों का बेटा मुझे मिल गया। मेरी आखिरी इच्छा है तू मेरी चिता को जलाए। बच्चन दे, वक्त बहुत कम है। मैं तुम्हें बच्चन देता हूँ। सूरज, सलोनी, तूने लेके बाहर जा। शेरा, पहले कहाँ ना जाओ। चलो बापू। चलो बेटी, चलो। देवा, कुछ कहने की जरूरत नहीं, चल।
ठीक है, तो गांव वालों को गांव से बाहर ले जा। ठीक। तुम उधर और तुम लोग मेरे साथ जल्दी। वकील अंकल, गांव में कोई नजर नहीं आ रहा है, लगता है सब लोग कहीं छुप गए। शेरा, तुम जहां भी हो अपने आप को मेरे हवाले कर दो। मेरे आदमियों ने सारे गांव को घेर रखा है। हम शेरा को नहीं जाने देंगे। शेरा की जान खतरे में है, मतलब गांव की इज्जत खतरे में है। सुनो, इस गांव से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं बेकार का खून खराबा नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम सीधी तरह मेरे सामने नहीं आए तो मैं इस गांव को जलाकर राख कर दूंगा। नहीं मुखिया जी, शेरा मेरा बेटा है, मैं नहीं चाहता इसकी वजह से सारा गांव बर्बाद हो जाए। ये मेरा निजी मामला है, मैं चल अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सकता। शेरा, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। मैं 10 तक गिनूंगा और उसके बाद मैं इस गांव को तबाह कर दूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पर गोली मैं चलाऊंगा। मैं, ये मेरा शिकार है। मुकदमा भी खत्म हो गया, ये भी केस हार गया।
दौड़ते तो मेरी कमर टूट गई है। अभी से अभी तो भैया 5 साल और बाकी हैं। नंबर 108 तुमसे कोई मिलने आया है। हम लोगों ने शादी कर ली है और आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। खुश रहो, आखिर तूने मुझे दगा दे ही दिया। बिल्कुल नहीं, मेरा पति कभी किसी को दगा दे ही नहीं सकता। शादी के बाद शेरा ने जो आपको 5 लाख का वादा किया था वो जरूर पूरा होगा। जब आप जेल से बाहर निकलेंगे आपको रुपया मिल जाएगा और बाकी तुम कह दो ना। हमारे घर के दरवाजे आपके स्वागत के लिए हमेशा खुले रहेंगे। शेरा, ये तू कह रहा है? मैं सिर्फ अपनी बीवी की बात दोहरा रहा हूँ। ये आपको फरिश्ता मानती है? फरिश्ता? हम आपको इंतजार करेंगे। क्या नहीं, माय ब्रदर भूलना नहीं, 5 लाख रुपए में से 2.5 लाख रुपए मेरे हैं। नहीं, पूरे तेरे हैं। हाँ, वो देख, लोग कहते हैं जिसे इंद्रधनुष दिखता है उसे एक दिन खुशियों का खजाना